महामुनि संदीपनी कृष्ण और बलराम के गुरु थे, उन्हीं से उन्होंने 64 कलाओं की विद्या प्राप्त की। शिक्षा समाप्त होने के बाद परंपरा के अनुसार जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो गुरु ने तो कुछ मांगा नहीं और गुरु कुछ मांगता भी नहीं, लेकिन कृष्ण ने गृह ऋण से मुक्त होने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में अपने उत्तरदायित्व को कैसे निभाया, यही इस लघु नाटिका में दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं कृष्ण और उनके गुरु सांदीपनी से संबंधित एक लघु नाटिका। आपका पुत्र तीनों लोक में जहां भी हो
मेरे तट पर स्वयं पधार कर आपने जो मुझे दर्शन देने की कृपा की है उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे समुद्र देव, हमारे गुरु महर्षि संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त को वापस मांगने आया है। वह तुम्हारे इस तट पे स्नान करने आया था, यहाँ से तुम्हारी लहरें उसे बहा कर ले गई। हमारी यह आज्ञा है कि वो जहाँ कहीं भी हो उसे लाकर हमें वापस कर दो। क्षमा करे प्रभु, पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। तो फिर कहाँ है? मेरी गहराइयों में पांचजन्य नामक एक भयानक राक्षस रहता है, यह उसी का काम हो सकता है। वह प्रायः स्नान करने आए लोगों को अपने साथ खींचकर समुद्र में ले जाता है और वहाँ उन्हें खा जाता है। तो हमने वहाँ ले चलिए। चलिए प्रभु। सभी प्राणी जीवात्मा के रूप में ही आते हैं, मैं उन्हें उसी रूप में वापस कर सकता हूँ।
सकता हूँ, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझ में नहीं है प्रभु। उसकी चिंता तुम ना करो, तुम हमें उसकी जीवात्मा ही लौटा दो। जो आज्ञा प्रभु। यमदूत शरीर प्रदान किया।